नांगल चौधरी, ग्रामीणों ने स्कूल को जड़ाया ताला। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, ट्रांसफर पॉलिसी का ग्रामीणों ने विरोध किया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, तो विज्ञान के शिक्षक और पीटीआई का तबादला हो गया, जिसको लेकर जो लोग हैं वो काफी नाराज नजर आ रहे। स्कूल में पढ़ते हैं 307 बच्चे, जिनका जो भविष्य है वो खतरे में है। ट्रांसफर पॉलिसी का ग्रामीणों ने विरोध किया, आपको बता दें उन्होंने ताला जड़कर अब प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। तो बता दें कि जो विज्ञान है और पीटीआई के जो शिक्षक है उनका तबादला होगा, जिसके बाद ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला जड़ दिया और अब ट्रांसफर पॉलिसी का ग्रामीण विरोध करते नजर आ रहे। तो लगातार वो काफी नाराज नजर आ रहे। विज्ञान के शिक्षक और पीटीआई का तबादला हो गया है, जिसके बाद जो बच्चे हैं उनका जो भविष्य है वो खतरे में। स्कूल में पढ़ते हैं 307 बच्चे, जिसके बाद जो उनके परिजन है वो गुस्साए हुए नजर आ रहे। ट्रांसफर पॉलिसी का ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया, ताला जड़ दिया है स्कूल पर। तो नांगल चौधरी से खबर है, ग्रामीणों ने स्कूल को जड़ा है ताला और उसके बाद प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे। तो जो ट्रांसफर पॉलिसी लागू की गई है उससे जो ग्रामीण है वो काफी नाराज नजर आ रहे। विरोध था गांव वालों का कि इनकी साइंस की पोस्ट खत्म हो गई। ताले का तो बहाना ही था, कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी साइंस की पोस्ट निश्चित रूप से यहाँ कमी है, 6 से 10 तक साइंस पढ़ाने वाला साइंस मास्टर नहीं है और कोई साइंस बेस का टीचर नहीं है। तो इनकी मांग जो है बिल्कुल वाजिब है। और आज क्योंकि 4 बजे वीसी है, तो कई जगह हम डायरेक्टर साहब के सामने या इनके प्रॉब्लम रखेंगे। इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने